नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिल्ली के ध्रुव त्यागी को इंसाफ दिलाने के लिए 16 मई को बसई दारापुर के त्यागी धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। देश भर से लोग दिल्ली के मोती नगर पहुंचे। यहां पहुंचकर हर शख्स ध्रुव त्यागी को इंसाफ दिलाने के लिए एक कड़ी बनना चाह रहा था, लेकिन पुलिस के दबाव के चलते महापंचायत श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दी गई। दरअसल महापंचायत को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह प्रचार प्रसार किया गया, उसे लेकर पूरे देश से बड़ी तादाद में लोग बसई दारापुर पहुंच गए। इलाके के लोगों ने बताया कि सुबह से ही यहां आना जाना शुरू हो गया था। पुलिस ने भी बसई दारापुर की घेराबंदी कर चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, लेकिन जिस जगह पर यह महापंचायत होनी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि सभी लोग उसमें शरीक हो सकें। फिर भी दूर दूर से पहुंचे लोगों को श्रद्धांजलि सभा में बैठाया गया, जबकि बाकी के लोग बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। सभा के दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी इसमें पैठ बनाने की कोशिश की और इसे दूसरा रंग देना चाहा, लेकिन ध्रुव त्यागी के घरवाले और वहां मौजूद उनके रिश्तेदारों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि कुछ नौजवानों ने नारेबाजी करते हुए यहां की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। दिल्ली में चूंकि वाहनों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी ही देर में दूर दूर तक जाम लग गया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर सड़क को खाली करवाया। तो अब सवाल उठता है कि ध्रुव त्यागी को इंसाफ दिलाने के लिए हुई इस महापंचायत से क्या नतीजा निकला? क्या महापंचायत ने आंदोलन की कोई दिशा या दशा तय की? तो श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों का कहना था कि महापंचायत किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं था। दुख की घड़ी में सभी लोग सांत्वना देने पहुंचे थे, लिहाजा हो सकता है कि आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए किसी और दिन फिर से महापंचायत बुलाई जाए, जिसका आयोजन दिल्ली के किसी बड़े स्टेडियम या फिर खुले मैदान में किया जाएगा, ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो सकें। फिलहाल बसई दारापुर से अभी इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीडीसी न्यूज़।